एक और अच्छी वैकेंसी के साथ मैं आज फिर से एक और वीडियो की शुरुआत करने वाला हूँ। आई होप कि आप सभी विद्यार्थी इसे देख रहे होंगे और हो सकता है कि आपको ये वैकेंसी अच्छी लगे और यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन दो तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और इसमें सबसे अच्छी खबर ये होगी, सिर्फ इसमें 10वीं और आईटीआई वाले ही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। आज 20 जून यानी कि नया विज्ञापन, लेटेस्ट वैकेंसी जारी हुई है। जो बात करें बेंगलुरु से इसकी आज आवेदन प्रक्रिया यानी कि इसकी जॉब लोकेशन की बात करें तो बेंगलुरु से इसकी होगी। और इसमें भारत के सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल भारत के किसी भी क्षेत्र का रहने वाला एक स्टूडेंट हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप पार्ट टाइम या फुल टाइम के लिए अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे आवेदन करने के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें या फिर इसमें किस तरीके से आपकी जॉब होगी, क्या इसमें होगा क्या नहीं होगा, ये सारी डिटेल्स आप इसके विज्ञापन के जरिए देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये इसका विज्ञापन है। टेक्निकल ट्रेनर की पोस्ट दी हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में। बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में इसकी अप्लाई करना होगा और इनवेलिड विद्यार्थी, जो इंटरेस्टेड विद्यार्थी हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ही इसमें आवेदन करें, अन्यथा इसमें आवेदन ना करें। फीडर, ट्यूनर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, कॉपर, ये विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्टील वर्कर की आपकी जॉब होगी और कम्युनिकेशन के अनुसार अक्टूबर तक आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये बात होगी इस पोस्ट के लिए। और कैंडिडेट हाउ टू पास्ट ट्रेनिंग बेस पे आपको यहाँ पे रखा जाएगा। और आपको बता दें कि जो जो वैकेंसी अवेलेबल कराएगी है, ये एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आवेदन होगा, यानी कि सभी कैटेगरीज को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। बाकी डिटेल्स आप खुद कॉन्टेक्ट या ईमेल के जरिए भी ले सकते हैं। इसके ऑफिशियली विज्ञापन या नोटिफिकेशन पे इसका दिया हुआ है, जहां से आप लोग आवेदन करेंगे, जहीं से आप इसका विज्ञापन देख पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपके पास आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है, आईटीआई का सर्टिफिकेट जिसकी कॉपीराइट फोटो होगी, जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एनसीवीटी या एनसीवीटी का सर्टिफिकेट है वो आप इसमें लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का या आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इसका पूरा विज्ञापन है। 23 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, 28 जुलाई से इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। लास्ट तारीख इसमें 28 जुलाई होगी। 28 जुलाई से पहले आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। ऑफिशियली वेबसाइट की बात करें तो देखिएगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप लोग आवेदन करेंगे। www.scl.in.indian.com पे करियर पे क्लिक करें और उसके बाद आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे रखनी होगी ताकि आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे हम बात करें इसके डिटेल्स के फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म का प्रारूप ये देखिएगा, इसकी ऑफिशियली ये वेबसाइट है और यहीं से हम इसके विज्ञापन की बात करेंगे। तो इसलिए आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये देखिएगा और पूरी अपडेट अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। इसकी जानकारी खुद अपने मोबाइल के जरिए भी या लैपटॉप के जरिए देख सकते हैं। इसमें आप लोग आवेदन सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं फॉर्म को, और यहीं से आपको इसका विज्ञापन देखना होगा। अब मैं बात करूँ आवेदन के बारे में, तो यह देखिएगा फॉर्म भरने का प्रारूप इसमें दिया हुआ है। फॉर्म आप इसमें ऑफलाइन फॉर्म ही भर पाएंगे, इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं। या फिर ऑनलाइन की बात करें तो जब इसमें आपको देखना होगा कि इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे कहाँ से इसमें फॉर्म भरना होगा और कहाँ से नहीं भरना होगा, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने इसके कैरियर पे क्लिक किया, कैरियर वाले बटन पे, या फिर हम न्यू टैब ओपन करते हैं। न्यू टैब पे क्या आखिरकार इसके ऑफिशियली वेबसाइट क्या देने वाली है, ये देखिएगा। आप यहाँ से सबमिट करवा सकते हैं और यहीं से आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं और यहीं से आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये रहा इसका पोस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस का, जिसमें 29 जून से 28 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहीं से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहीं दिखेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिएगा विज्ञापन की बात करें तो फर्स्ट लाइन में विज्ञापन, सेकेंड में फॉर्म दिया हुआ है, तो ये यहाँ से आप लोग देख के आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। आई होप कि सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में लिखें, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।